अभी इन्होंने ये नहीं देखा पीछे मुड़ के कि पुड़ा है। अगर यकीन नहीं है जल्दी से कोने में चले जाओ, कोड़े अभी भी तुमको गली के नुक्कड़ में बोलते। उनका काम काज कैसा रहा? बकवास, कोई काम काज, एक पैसे के आदमी नहीं है वो। विधायक होके एक रुपया काम नहीं करते किसी के लिए भी। ऐसा क्यों करते नहीं आप? किसी के लिए एप्लीकेशन लेके चले गए, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, उसका फोन उठना बंद हो जाता है। हाँ जी साहब, मैं साहब मेरा पब्लिक इतना खुद कल भी बैठी है पार्टी से, क्या भगाई देगी कि आना भी मत यहाँ वोट। विधायक बनने का कुछ कौन सी गली में गया है वो? हाँ बदमाश कोई भी नहीं है, चाहे वाजपेयी हो तो कोई भी बदमाश कोई भी नहीं है। क्या मतलब? मेरे ख्याल में 5 साल हो गए, आप गली में जाके देख लो कहीं भी जाके, ये स्थिति है देख लो ना आप आगे चलो, पानी बढ़ता है। ये कहते हैं डेंगू मलेरिया ना हो, डेंगू मलेरिया कैसे नहीं होगा जब गड्ढे होंगे पानी भरेगा। ये देखो सीवर का कनेक्शन देख लो, ये जगह गड्ढे दिख रहे हैं, हमने खुद दिखाया काले पानी की नालियां पूरी तरीके से। और देखो ना मैं अभी आपको पूरी गली दिखा। टीम नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय दिल्ली की एक नई विधानसभा पर मौजूद हूं, कृष्णनगर विधानसभा। यहां से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की यात्रा गई है, यहां पर जायजा लेते हैं कांग्रेस की यात्रा का कितना असर है और इस बार दिल्ली के निवासी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या काम काज हुआ है इस इलाके में, क्या कह रहे हैं सर? क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान अली जी, यात्रा निकली है कांग्रेस की, कुछ असर है? जी कांग्रेस की यात्रा निकली है तो ये तो अच्छा ही है। अब कोई वापसी कर पाएंगे? कोई है? वापसी कर पाएंगे सत्ता में? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, देखो जो जिसके नसीब में उसे ही मिलेगी, ये नहीं है जैसे इनके नसीब में तो इन्हें मिलेगी, उनके नसीब में तो उन्हें मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं। क्या लगता है दिल्ली में काम काज हुआ पिछले 10 साल? काम बढ़िया हुआ, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक की मूड की बात है, किधर को घूम जाए पब्लिक, सारी पब्लिक की बात है। पब्लिक के मूड में झाड़ू वाले हैं, बाकी ये बताएंगे इनसे। हालांकि इलाके की स्थिति देखिए यहाँ पर आप पूरी तरीके से कुछ सांसद, क्या नाम है आपका? उसे ही जान रहे हैं थोड़ा, आप लोगों के इलाके में कितना काम काज हुआ, यहीं के रहने वाले? नहीं नहीं, कहाँ रहते हैं? मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं ना? अच्छा चलो, क्या लग रहा है कुछ काम काज हुआ दिल्ली में? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। मैं सही बताऊं जो आपके सामने आपके कैमरे और इनके समय जनता जो भी देख रही है आपके सामने स्क्रीन पे देख रही है, ये जो चीज देखनी चाहिए वो तो आंखों सामने आपके दिख रहा है, रोड और पोड। जब चुनाव आने होते हैं तो तब तो सीधे हो जाते हैं सारे, तब बन जाती है सड़कें, कुछ दिनों बाद कहानी खत्म होता है। चुनाव से पहले ही सारा विकास, चुनाव से पहले ही जब थोड़ा बहुत अपना विकास कर लेते हैं कि चलो भाई इलेक्शन के, जैसे अभी आपने देखी रैली, ये तो आपको पता ही कि दुनिया भी समझदार है कैसा नेता कैसा होता है कैसा नहीं। जितने भी अध्यक्ष हैं जहाँ के यहाँ के भी कहीं के भी होते हैं, इनके अपने हैं, कभी इन्होंने ये नहीं देखा पीछे मुड़ के कि कूड़ा है। अगर यकीन नहीं है इस गली से कोने में चले जाओ, कूड़े अभी भी तुमको गली के नुक्कड़ में बहुत मिलेंगे, कचरा बहुत सफाई नहीं। बात मैं सबके लिए तरफ से एक से कहता हूँ, निवेदन ये भी करता हूँ कि गलती हमारी भी है, होती है कुछ भी होती है। गलती हमारी तो भी होती है। ये जो यात्राएं निकल रही हैं ये भी आम आदमी भी बीजेपी कुछ जनता के बीच असर हो रहा है इन सब चीजों का? देखो जी अभी कह नहीं सकता, लेकिन ये जनता ही बता सकती है, ये सब लोग बता। इस बार क्या लगता है बदलाव हो जाना चाहिए? देखो बदलाव जब होगा, जब ये देश अपना सीधा सही बदलाव हो जाए, जब होगा, ऐसे नहीं होगा बीजेपी जहाँ सत्ता है वहाँ सब हिसाब सही है। यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, कहीं सब काम सही है, अलग है वो तो अलग डिपार्टमेंट। में क्या लग रहा है क्या चले में? तो देखो अभी एमसीडी के चुनाव में, इसलिए तो कैसे मर्जी का विधानसभा चुनाव, मैं तो कहता हूँ देखो जीत होता भी लेकिन आगे भी देखिए काम होने चाहिए। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है? अच्छा चले, और लोगों से जानते हैं, स्थानीय लोग देखे वहाँ पर बैठे हुए उनसे जानते हैं, उनको क्या लगता है क्या इस बार स्थिति कुछ बदलेगी या फिर यात्रा ऐसी बेसर हो जाएगी? और ये इलाका जो है इस आजाद नगर पड़ रहा है, पर इसे क्या नाम है? सचिन जैन। सचिन जी स्थानीय है? हाँ जी। सर यात्रा निकल रही है, कितना असर है कांग्रेस की यात्रा? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं? कांग्रेस है का? कौन है फिर इस बार?
भाई अब ये मत पूछो मेरे से, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। ऐसा क्यों, गलत बात क्यों बोल रहे हैं? मैं कांग्रेस से ही नहीं। तो कौन है फिर इस बार, क्या लग रहा है? गांधीनगर विधानसभा के अंदर आएगी तो या तो आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी आएगी। अगर आम आदमी पार्टी राज शर्मा लड़ा तो 100% आएगा। वजह समाज का जुड़ाव है, पब्लिक के साथ जुड़ाव है, सबकी सेवा करता है। अगर पूरी दिल्ली में बात करें, आम आदमी पार्टी ने कैसा काम काज किया? बकवास। फिर भी आप लोग मौका दे रहे हैं। विधानसभा में अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहे। मतलब आपको लगता है दिल्ली में काम नहीं हुआ, बट आप भी दे देंगे अपना मौका? हाँ, अगर विधानसभा राज शर्मा को मिलता है तो राज शर्मा को देंगे, अगर लवली जी को मिलता है बीजेपी से तो लवली को देंगे। अभी यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है कौन है? अनिल वाजपेयी भाजपा से हैं, जहाँ तक मैंने। उनका कामकाज कैसा रहा? बकवास, कोई काम काज, एक पैसे के आदमी नहीं है वो। विधायक होके एक रुपया काम नहीं करते किसी के लिए भी। ऐसा क्यों करते नहीं? आप किसी के लिए एप्लीकेशन लेके चले गए, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, उसका फोन उठना बंद हो जाता है। वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, अब यहाँ के तो विधायक बीजेपी के हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के विधायक ऐसे, अब क्या बोलूं मैं आपको, इतने वैसे हल्के आदमी हैं, कोई काम ही नहीं करते वो। मुझे बता दो आप, मैं आपको अभी यहाँ पे 50 चीज दिखा दूंगा। तो हम देख ही रहे हैं, सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे भरे हुए हैं, सब कुछ है। आप फोन कर लो, मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूँ, पूरे विधायक विधानसभा के अंदर मैं आपको 500 गली दिखा दूंगा कि जो टूटी फूटी पड़ी, जहाँ सफाई नहीं होती कई कई महीने तक। तो इस बार आप चाहते हैं आपके एरिया में बदलाव हो जाना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, अगर राय शर्मा आए तो बदलाव होगा। इलाके की गारंटी हमारी है, हम उस बंदे को जानते हैं जिसको हम गले से पकड़ के ला सकते हैं, हमारा काम करा सकते हैं। वो यहाँ के रहने वाले नहीं है अनिल जी? यही के रहने वाले, पैदाइश भी काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। और तो निगम पार्षद भी उनसे भी खफा है, कोई निगम पार्षद उनसे बात करके राजी नहीं है। पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग भी सर, आप सर यही रहते हैं? आप भी यही रहते? आपको क्या लगता है अनिल वाजपेयी जी ने कुछ काम काज? लोगों से मिलते नहीं है, काम लोगों पे कम करते हैं, बस यही है मुख्य कारण, और कोई कारण। पूरे 5 साल में कोई तो विकास का कार्य किया? थोड़े बहुत करे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों से जुड़े रहे हैं या काम करते रहे, ऐसा नहीं है। कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे, कनेक्टिविटी कम है। अब चुनाव में तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर भी झुकाएंगे। चुनाव में तब आएंगे ना जब टिकट गाली खाएं। हाँ जी साहब, मैं साहब मना, पब्लिक इतना खुद कल भी बैठी है अनिल वाजपेयी से, भगाई देगी कि आना भी मत यहाँ वोट देने। विधायक बनने का कुछ कौन सी गली में गया है वो? विधायक बनने के बाद मुझे आज एक गली बता दो पूरी विधानसभा के अंदर, मैं आपको अभी भी गिनवा दूंगा 500 गली गिनवा दूंगा, 500 गली जहाँ काम नहीं होता। सीवर का ढक्कन टूट जाए कहीं कहीं महीने लगा रहता है, सड़कें टूटी पड़ी है, काम होता नहीं है, लाइटें जलती नहीं है, अपने काम होते हैं उनके सिर्फ। राजधानी दिल्ली में ये हालत बता रहे हैं, यही बताएंगे, पारियों का पूरा इलाका नहीं, है नहीं, तो हाँ तो यही देंगे। नाम तो बता दीजिए, इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हैं। कमल, कमल जी, तो कमल काम नहीं कर रहे हैं? कमल तो पूरा काम कर रहा है मैडम, कमल कहाँ नहीं काम करता। कमल कहाँ नहीं काम, नालियां भरी हुई है, ढक्कन खुले हुए, अनिल वाजपेयी ने कोई काम नहीं, वो उसकी कमी बता रहे हैं आपको, ये कोई बता रहे कमल काम नहीं कर रहा? कमल तो खिला हुआ हर जगह और खेलता ही रहेगा। यहाँ पर क्यों नहीं खिल पा रहा, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास होएगा, धीरे धीरे होएगा ना, मजबूत बनना आएगा। 5 साल हो गए, अब कब तक काम होगा? कोई बात नहीं, कभी कभार लेट सवेर भी काम होता है, अभी वो जागा नहीं है, जिस दिन जाएगा जाग जाएगा। जनता में अब सब्र आ चुका है। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल के बाद काम शुरू करो, जनता भी मौका देगी। बिल्कुल मौका देगी, जैसे 15 साल काम। भाई सब कह रहे हैं गालियां देंगे हमको, ये दे सकते हैं जी, ये कुछ भी। आपको पसंद है उनका काम काज? ठीक है, सब थोड़ा बता पाएंगे क्या काम किया उन्होंने? काम नहीं किया तो कुछ बुराई भी नहीं है उनकी। सबकी अपनी अपनी राय होती है, वो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ कोई नहीं बोल सकता। डरते हैं क्या लोग? डरते नहीं है, सच बोलने से डरते हैं। बदमाश है, इसलिए डरते हैं। हाँ, बदमाश कोई भी नहीं है, चाहे वाजपेयी हो तो कोई भी बदमाश कोई भी नहीं है। नहीं, क्या मतलब, जनता जिनको चुन के ला रहे आज वो इतने हावी हो गए कि जनता अपनी बात नहीं। अरे तो आप एक बात बताओ ना मेरे को, जनता सुनी की आप, मैं आपके घर पे गया और आपने मेरे से पानी नहीं पूछा, मैं आपसे चाय की उम्मीद कैसे कर लूंगा? आज मुझे परेशानी है, मैं आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ, आप मेरी परेशानी नहीं सुन रहे। पानी को पिलाने की बात दूर की, बहुत दूर की बात रही। शारू शारू में बोल रहे हैं, यानी जब जनता को जरूरत है अपने विधायक की, अपने नुमाइंदे की, तो वो जनता की सुनवाई हो नहीं रही है, लेकिन आप उम्मीद करें कि वोट से। मैं आपको इतनी बात कह रहा हूँ, आप गांधीनगर विधानसभा के अंदर 5000 गली होंगी, 500 गली यहीं से बैठे गिनवा दूंगा जिस गली में काम नहीं हुआ।
सफाई नहीं होती, आप मेरा सफाई देख लो, इनके बोर्ड लगाते हैं अनिल वाजपेयी, विधायक अनिल वाजपेयी, काम तो करो ना। ठीक है, आप मेरे साथ एक गली देख लो, मैं आपको गली दिखा रहा हूँ, एक गली देख लो मेरे साथ आप, मैं कहीं दूर नहीं आ रहा ना। बिल्कुल, देखिए कोने में ही अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में 5 साल हो गए, आप गली में जाके देख लो कहीं भी जाके, ये स्थिति है देख लो ना, आप आगे चलो पानी बढ़ता है, ये कहते हैं डेंगू मलेरिया ना हो, डेंगू मलेरिया कैसे नहीं होगा, जब गड्ढे होंगे पानी भरेगा, ये देखो सीवर का कनेक्शन देख लो, ये देखो गड्ढे दिख रहे हैं, हमने खुद दिखाया काले पानी की नालियां पूरी तरीके से, और देखो ना मैं अभी आपको पूरी गली दिखाता हूँ, ये एक ही गली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ये इस गली एक गली को 5 साल हो गए, मैं यहाँ की जनता को बुला दूंगा, सारी जनता आ जाएगी अभी गली में, अभी एक फोन मारूंगा सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, ये देखो ये पानी भरा हुआ है, ये मैंने करवाया अपने हाथ से, ये मैंने ठीक करवाया सारा, और आगे क्यों कि विधायक जी जीत कर आप लोगों के वोट लेके जीत गए और अब आ नहीं रहे, वोट से मतलब होता है नोट, सबको नोट मिल गए, वोट जीत, वोट मिल गए नोट मिल गए, अब वो नोट कमा रहे हैं अपना, छुट्टी बात खत्म, आप आगे आप आगे थोड़ी गली तो देखो आप मेरे साथ, हम देख ही रहे हैं और अपनी कई रिपोर्ट्स में ये स्थिति हम दिखा रहे हैं, लगभग पूरी दिल्ली में ही आपको ये स्थिति मिलेगी, फिर चाहे विधायक आपका हो या भाजपा का हो, इससे कोई खास फसल नहीं, तो बरसात में बेहद गंभीर समस्या हो जाती होगी बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ रोज एक्सीडेंट होता है, आप आगे गली और देखो ना, गली पानी भरा पड़ा, आप लोग यही रहते हैं? नहीं जी, ये तो मकान देख रहा है, दिल्ली में रहते हैं, कृष्ण नगर में, क्या हालत है वहाँ, स्थिति क्या है? बहुत खराब स्थिति है, जमुना पार रहने लायक रहा नहीं है, तो पूरा ही जिंदगी बेकार हो चुका है। अखबार से? हाँ सर, न्यूज चैनल से, न्यूज चैनल से तो आप हैं, तो क्या आप इस जमुना पार में पहली बार आए हैं? तो खुशी की बात है, अभी तक हमने टीवी के जरिए से ही देखा है जमुना पार पूरी तरीके से बदल गया, खुशी खुशी की बात है कि यहाँ पर आप लोग आए, आपके पैर पड़े हैं तो यहाँ बाहर आ जाएगी, श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं मुझे, विधायक जी आते हैं, हम तो आगे विधायक, बिल्कुल विधायक आते हैं विधायक क्यों नहीं आते, विधायक आते हैं अनिल जी, जब वोट की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, वोट मांगने आते हैं, नहीं नहीं सहायता भी करते हैं लोग, क्या सहायता की हम तो, क्या इलाका कुछ बदला, बताए थोड़ा हमें भी, इलाका देती है ना, पत्रकार आए हैं उनको कुछ कहेंगे जब भी वो बदलेंगे, अब तो चुनाव आने वाला है, अब तो सब कुछ कहेंगे जी हम ये बनाते हैं वो बनाते हैं वो बनाते हैं, अंकल जी पिछले 5 सालों में बताओ, आप कह रहे हो विधायक की मदद करते हैं, आप क्या मदद किए मतलब, विधायक जी जो है 4.5 साल राज कर चुके हैं, 5 साल पे उससे पहले आम आदमी पार्टी में थे और 9.5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं, कितना बदलाव हम ये पूछे हैं, जैसे सड़कें गलियां कितना कुछ, सड़कें गलियां जो हैं जब बजट पास होता है जब बनती हैं, अब 3 महीने का समय रह गया है और अब आपको सब शिकायतों की याद आ गई है, 4.5 साल के 9 साल से बजट नहीं आया अभी तक, 9 साल 9.5 साल हो गए विधायक जी को, बजट नहीं आया अभी तक, इस गली को 5 साल हो गए, 9.5 साल उनको विधायक बने हो, 3 साल मैं बीजेपी के पर मैं किसी के नहीं मतलब नहीं कर रहा, मैं पार्टी के मतलब से मतलब बनी, मैं बीजेपी कांग्रेस या कोई भी, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, फिर भी बता रहे हैं कि देखिए कितना काम काज नहीं हुआ, काम 3 महीने इलेक्शन को रह गए, 9.5 साल से विधायक जी है, मुझे एक गली बता दो कौन सी गली बनाई विधायक जी ने, वो गली वो बनाई है जब फटी को जाती है, जब पब्लिक बिल्कुल उतारो कपड़े फाड़ने में उतारो जाती है, मैं तो 500 गली करवाने को तैयार हूँ, अगर 500 निकलो 499 तो मेरा जूते बना के मुझे पूरे मार्केट जाएगा ना, आपके साथ ये थोड़ी ना काम कराएंगे विधायक, मैं बिगर विधायक के काम करा सकता हूँ, नहीं मैं किसी पे मोहर लगी होती गंदी राजनीति, फिलहाल रिपोर्ट कार्ड हम लेने आए थे वो अलग बात है, तो आपके हिसाब से काम हुआ है, काम जी हो रहा है, हो रहा है, अगले 8-5 साल इनके हिसाब से विधायक जी को दे देने चाहिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है, 30 साल पहले यहाँ पर कोई आता नहीं था, आज आप जैसे लोग सुरक्षित है यहाँ पर, अच्छा सुरक्षित है ना, सुरक्षा का ही मामला चल रहा है, हाँ सुरक्षा है, पहले भी सुरक्षित थे तो अब भी सुरक्षित है, पहले में और अब में क्या बदल गया, बहरहाल देखिए ऐसे ही आम लोगों से मिलते हैं हम, और सही मायने में आम लोग ही आपको सही तस्वीर आप तक पहुंचा सकते हैं, हालांकि दावे चारों तरफ से किए जाएंगे लेकिन हकीकत जमीनी आपको ऐसे ही सुनने के लिए मिलेगी, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ लगता है, जो आप देखिए खुद कह रहे हैं कि भाजपा के कट्टर समर्थक है लेकिन उसके बावजूद एक आम जनता के तौर पर सवाल कर रहे हैं और सही मायने में बता रहे हैं कि विधायक साहब ने पिछले 5 साल में क्या कुछ काम किया, जी एक मेरे बात रह गई,
हमारे यहाँ पे कांग्रेस के नेता रहे अरविंदर सिंह लवली जी, उनकी खूबी थी ये बात को, अगर आपने एक फोन कर दिया उनके ऑफिस में कि सर आज मेरी गली में कूड़ा नहीं उठा, 10 मिनट में कार्रवाई होती थी, सुनवाई होती थी, ठीक है। अब वो सुनवाई नहीं, वो पद पे नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस से भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि सुनवाई ऐसा ही नुमाइंदा, ऐसा ही नेतृत्व लोगों को, जनता को आसपास का चाहिए होता है, जो आपकी सुनवाई करे, काम भले ही देरी से हो जाए पर जनता को एहसास होना चाहिए कि उनके विधायक उनके बीच में है और उनके लिए काम करने के लिए तत्पर है। बहरहाल आप इस रिपोर्ट के लिए क्या कुछ आपकी राय हमसे जो साझा कीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे नए क्षेत्र में नए मुद्दों के साथ में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए साथ, आप देख रहे थे पोर्टिव नेटवर्क।